नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम जानेंगे कि किचन के सिलाब कैसे बनाए। दोस्तों इसका जो सेंटरिंग कितना करें और दोस्तों इसमें कौन सा सरिया यूज करें और इसका जो बेसिन का साइज है, जिसे आप सिंक भी बोल सकते हैं, इसका साइज कितना दे। दोस्तों प्रॉपर पूरा डिटेल में हम जानेंगे दोस्तों, तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आप जब भी किचन बनाते हैं तो आप सोचते हैं कि हमारे जो किचन है उसमें कभी कोई खाना बनाने में कोई दिक्कत ना हो। इसका हाइट पर भी हम काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं और इसका सिंक जो होता है, जो बेसिन होता है, इस पर भी हम ज़्यादा ध्यान देते हैं ताकि इसमें भी कोई प्रॉब्लम आगे ना हो, जिस पर वक्त हम बेसिंग इसमें लगाएं उस पर कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं सेंटरिंग का। दोस्तों यहाँ पे देखिए सेंटरिंग का प्लान जैसे ही स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम पहले सोचते हैं सेंटरिंग कितना करें। दोस्तों इसका जो सेंटरिंग होता है ना, वो लगभग 2 फुट हम सेंटरिंग करते हैं। दोस्तों जब भी आप सेंटरिंग करें तो उसका 2 फुट से सेंटरिंग कम ना करें दोस्तों, और सेंटरिंग एकदम लेवल में करें दोस्तों, पाइप लेवल के साथ दोनों साइड का दीवार का लेवल करके और उसी तरह से सेंटरिंग भी करें। और दोस्तों किचन का सिलाब का हाइट कितना दे। दोस्तों मेन जो इसका काम होता है ना, वो उसका हाइट होता है दोस्तों। जब भी हाइट का बात आता है दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाला बात होता है, क्योंकि अगर थोड़ा ऊंचा हो जाता है इससे भी प्रॉब्लम हो जाता है, और डाउन भी अगर ढाल देते हैं इससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो दोस्तों इसीलिए इसका हाइट पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें, और इसका हाइट जो जब भी रखें ना, 33 से 34 इंच ही इसका हाइट रखें, 33 से 34 इंच इसका हाइट दे, जो सबसे बेहतर साइज़ है दोस्तों। और दोस्तों इतना हाइट देने से आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, आगे ज़मीन भी जब भी बनाते हैं तो यहाँ पर भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। यह एक बहुत ही सुंदर साइज है दोस्तों। और दोस्तों बात कर लेते हैं उसके बाद जो इसका जो बेसिंग का साइज, जो सिंक है वो दे रहे हैं, इसका साइज हम कितना छोड़ें। दोस्तों इसका साइज छोड़ने में बहुत से मिस्त्री मिस्टेक कर जाते हैं। इसका साइज अब जब भी छोड़े तो 1.5 फुट से 2 फुट का इसका साइज छोड़े, जो सिंक का आपका साइज है, और 1.5 बाई 2 का ही इसका साइज छोड़े, जो आप जब भी बेसिंग मंगवाए उसे आप लोग को लगाने में कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों इसका जो सरिया इसमें देते हैं, जो इसका सरिया देते हैं उसमें कौन सा सरिया यूज करें। दोस्तों आप इसका सरिया जब भी देते हैं तब देखिए बॉटम में जो नीचे होता है वह 10 mm सरिया यूज कर सकते हैं, और उसके बाद जो ऊपर होता है, जो टॉप में होता है, उसे आप 8 mm सरिया दे सकते हैं, क्योंकि इसका जो ढलाई होता है ना, काफ़ी पतला करना पड़ता है दोस्तों। देखिए लगभग इसका 2.25 इंच, 2 से 2.25 इंच ही ढलाई इसका करें तो बेहतर रहेगा दोस्तों, क्योंकि नीचे प्लास्टर होगा, ऊपर से भी प्लास्टर होगा, और उसके बाद देखिए उस पर टाइल्स या मार्बल लगेगा, तो इसका जो है मोटाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों, इसीलिए इसका जो मोटाई भी है ज़्यादा ध्यान दें दोस्तों। और दोस्तों सिलाब बनाते समय एक चीज़ पर और ज़्यादा ध्यान दें दोस्तों, आप जब भी सिलाब बनवाएं तो उसका जुराई जो है ना, 2 फीट 9 इंच होता है सिलाब का साइज, उतना 2 फीट 9 इंच ही जुराई कर ले, उसके बाद उस पर सिलाब बना दें दोस्तों, उसके बाद फिर से ऊपर जुराई करें दोस्तों। इससे जो आपका सिलाब होना काफ़ी मजबूत होगा, और अभी उसमें कभी भी क्रैक्स नहीं आएगा दोस्तों। कितना मिस्त्री जो 7 फुट तक लिंटर लेवल वहाँ तक का वाल का जुराई कर देते हैं, उसके बाद उसमें जो स्लैब होता है उसका ढलाई का स्टार्ट करते हैं दोस्तों। छेनी थोड़ी सी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कटिंग करके ढाल देते हैं, इससे सिलाब जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और दोस्तों अगर वीडियो पर न्यू आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, इससे भी अच्छा अच्छा घर के बारे में जानकारी आपको लिए जरूर लेके आएंगे दोस्तों। दोस्तों हम वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं।